नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि साइकिल का आप पैडल अपने हाथों से अपने घर में खुद से कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक 15 नंबर का रिंच चाहिए। आप बहुत देखते होंगे कि अक्सर देखते होंगे कि पैडल जो होता है जब पुराना हो जाता है तो जाम हो जाता है, तो उसे खोलने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले नीचे हथौड़ा लगाइए पैडल के नीचे और एक ऊपर लगा के इसे ठोंक दीजिए ताकि ये पैडल थोड़ा सा ढीला हो जाए, खोलने में कोई दिक्कत ना हो। फिर इसमें थोड़ा बगली से भी इसे एक आखा थोड़ा मार देंगे तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 नंबर रिंच ले लीजिए, उसके नंबर उल्टा घुमाइए, पीछे तरफ वाली चक्का की तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आप देख रहे हैं ये खुल गया है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि इसे खोल के नया पैडल डाल देना है। ये पीछे की तरफ मैं घुमा रहा हूँ, पीछे वाली चक्का की तरफ है ना खोलना, और अब लगाना है तो इसे आगे वाले की चक्का की तरफ घुमाना है, इसे आगे वाली चक्का की तरफ घुमाना है, आगे साइड में हाँ इस तरह घुमा दीजिए आप और अच्छी तरह से कस दीजिए। बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पता था आज मैं, अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों ये कस रहे हैं, एकदम कंप्लीट कस लीजिए अच्छी तरह से। अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से कस गया है। अब आप चाहे तो घुमा के भी देख सकते हैं, देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।